गत 19 अगस्त से 24 अगस्त तक योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज कनाडा एवं अमेरिका प्रवास पर थे। अपने प्रवास के दौरान स्वामी जी महाराज ने टोरंटो में साधकों को योग प्रशिक्षण दिया। कनाडा प्रवास के दौरान पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्थानीय राजनीतिज्ञों से भी मुलाकात की। टोरंटो के कार्यक्रम के पश्चात पूज्य स्वामी जी यूएस से पहुंचे, जहां हर वर्ष आयोजित होने वाले इंडिया डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। स्वामी जी महाराज ने न्यूयॉर्क शहर में द हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी साधकों को योग सिखाया तथा लॉन्ग आइलैंड में वैष्णो टेम्पल में भव्य योग केंद्र का उद्घाटन किया तथा उनके सदस्यों को भी योग से जोड़ा। न्यूयॉर्क शहर के पश्चात स्वामी जी महाराज ने ह्यूस्टन शहर में भी आयोजित कार्यक्रम योगा एंड इनर पीस में भी उपस्थित साधकों को योग प्रशिक्षण देकर योग से योग करवाया। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान स्वामी जी महाराज ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया। विश्वविद्यालय की अध्यक्षा एवं कुलपति डॉक्टर रेनू ने स्वामी जी के वहां पधारने पर कहा कि आपके चरण पड़ने से विश्वविद्यालय पवित्र हो गया। पूज्य स्वामी जी ने भी विश्वविद्यालय के सदस्यों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। स्वामी जी महाराज के इस प्रवास के दौरान प्रवासी भारतीयों समेत बड़ी संख्या में विदेशी मूल के लोगों में भी स्वामी जी महाराज से योग प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आइए देखते हैं कनाडा एवं यूएसए प्रवास के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य अंश। लंबा से श्वास भरना, एकदम फ्री फ्लो होना चाहिए ब्रेथ का। लगभग 5 सेकंड में श्वास भरना, 5 सेकंड में छोड़ देना। ये सब के लिए 5 सेकंड्स ब्रीद इन, 5 सेकंड्स में ब्रीद आउट। एक बार कपाल भाती कर लो, देखो ये सामान्य गति। सभी कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सीधे बैठ जाओ। बहुत वीक हैं आप, कभी कभी होता है ऐसा, वीकनेस बहुत होती है, तो धीरे मीडियम फोर्स मीडियम स्पीड। और आप कंप्लीटली हेल्दी हैं, बहुत यंग है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावर है आप में, तो लगा लो पावर, लगा लो। और पावर लगा लो, मन के पार चले जाते हैं। सुबह सुबह योग किया करो, छुट्टी के दिन ज्यादा योग किया करो, सैटरडे संडे को 2 दिन तो दबा के योग किया करो। इतना योग करो कि 4-5 दिन में जो भी थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया वो सारा साफ कर दिया करो। कपाल भाती क्या करो, अनुलोम विलोम क्या करो, मन काबू में नहीं आता तो जोर जोर से किया करो, थोड़ी देर में ऐसा काबू में आएगा जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, पालतू बिल्ली होती है ना, ये सब सब ऐसे काबू में रहेगा, तुम्हारा तन तुम्हारा मन, नहीं तो तन मन इधर उधर डोलता रहता है, क्या सब जीवन बना दे। सुनो, सैटरडे संडे को ज्यादा किया करो, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम अग्निसार,
सब योगी हैं। हम सब क्या हैं? योगियों की संतान, योगी। इसमें क्या बात बताओ? हाथी की संतान, शेर की संतान। शेर की संतान क्या होती है? ऐसे हाथी की संतान। बस हम किसकी संतान है? ऋषियों की, योगियों की। तो हम स्वयं ऋषि हैं, योगी ही हैं। हाँ, आप भूल गए थे, खाली अपना घर का एड्रेस बताने आया हूं। चलो पहले अंगुली माथे पर, शेष तीन अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, अंदर से ओंकार का नाद होता है, बहुत आनंद आता है। तीन बार कर लेना। ऐसा 3, 5, 7, 11 जिस दिन जितना समय ज्यादा हो अधिक बार कर लेना। भ्रामरी के बाद उद्गीत। ओ ऐसे मौन हो जाना, शांत हो के, मौन हो के, श्वासों पर मन को टिका। श्वासों पर ऐसे हर रोज 5 मिनट कम से कम ध्यान करना। श्वास लेते समय मन ही मन ओम का जप कर। ऐसे हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, भगवान के साथ एकात्मता, एकत्व, दिव्यता, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। दिस इज द अल्टीमेट गॉड ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। योग और अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य दिव्य ज्ञान की, दिव्य प्रेम की, दिव्य शक्ति की, दिव्य सुख की, दिव्य शांति की प्राप्ति, सब प्रकार की दिव्यता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ डिविनिटी, दिव्य चेतना जीना। ऐसे हर श्वास के साथ अपने सेल्फ कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, हार्ट कॉन्शियस में, गॉड कॉन्शियस में, अपने भीतर की पूर्णता में, भगवान ने सब कुछ पूरा बनाया है, मैं स्वयं में पूरा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान पूरा है, शक्ति पूरी है, सुख पूरा है, शांति पूरी है, समृद्धि पूरी है, एवरीथिंग इज
inside and I am complete in myself. My swayam mein pura. स्वयं में और सब में पूर्णता अनुभव करते हुए अपने भीतर हम अधूरापन अपूर्णता कमी महसूस करते हैं, इसलिए तो बाहर से पूरा होना चाहते हैं। बाहर से हम पूरे नहीं होंगे, भीतर से हम पूरे हैं बस। फिर सब में पूर्णता की अनुभूति करते हुए उस भगवान के यंत्र बन करके काम करना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, ऐसे शास्त्रों पर ध्यान करना, ये मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। पहले तो 70वें स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान भी बहुत मेहरबान है, आसमान से वर्षा भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो भगवान भी बहुत खुश हैं, इंसान भी बहुत खुश हैं। और आज के इस खुशनुमा वातावरण में जो ये जो आयोजन हुआ है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल है। हिंदुस्तान के बाहर सबसे बड़ा आयोजन है, पर इनका बहुत बहुत अभिनंदन। दुनिया में कोई हिस्ट्री क्रिएट करना आसान काम नहीं होता है। यूएस के हमारे प्रवासी भाई ऐसे हैं, उन्होंने समृद्धि में, प्रॉस्पेरिटी में, सफलता में, सक्सेस में, पावर में, हर जगह सफलता के झंडे गाड़े हैं। और गाड़े भी क्यों नहीं, अमेरिका बहुत अच्छा देश है, लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री खोजने जाते हो तो 500 साल से पहले आपको कुछ मिलता नहीं है। 500 साल पुराना इस देश का इतिहास क्या है, लोगों को शायद पता नहीं है। 2000 साल पुराना, उसके पीछे बिफोर क्राइस्ट यूरोप का इतिहास नहीं मिलता है। 1400 साल पहले सऊदी अरबिया और इस्लाम का इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन करीब 200 करोड़ वर्ष पुराना जिस देश का इतिहास है वो हमारा भारतवर्ष है। भारत माता की। एक
अरब 96,08,53,117 वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जिस भारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता दी, जिस भारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम दिया, हाथ सिस्टम दिया, फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम दिया, जिस भारत ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई, वो विश्व गुरु भारत देश हमारा है। वो जगत गुरु भारत, वो हमारा देश, अतीत का गौरव। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसके पीछे तीन ताकतें होती है, अतीत का गौरव, वर्तमान का पुरुषार्थ और स्वर्णिम भविष्य का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने हिंदुस्तान को भी बहुत आगे बढ़ाया है और हमारे प्रवासी भारतीयों ने अमेरिका को भी बहुत आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया को आगे बढ़ाया। भारत माता की देखो, हिंदुस्तानियों की एक खास बात होती है, जहां होते हैं वहां उसके पूरे होकर के रहते हैं। हम हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं और लेके गए हैं और आगे भी अमेरिका को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है और अभी जो हमारे इस समय की जो पीढ़ी उसकी तो ये जन्मभूमि भी है। बात से यंगस्टर्स की कर्म भूमि है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ये कर्म भूमि ज्यादा है जन्मभूमि से पीछे की भी होगी। आपने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, आगे भी बहुत कुछ करना है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी बहुत कुछ है और इस मुल्क में हिंदुस्तानी भी किसी से कम नहीं है। यदि इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा दो पावरफुल कम्युनिटियों को बोला जाए तो चोइस और इंडियन यही सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अभी आप देखो, पूरी दुनिया इकोनॉमिकली लीड होती है, जो आर्थिक शक्ति में आगे होता है वो पूरी दुनिया को लीड करता है। आप इंडियन लोग थोड़ा एक काम और कर लो, इकोनॉमिकली तो आप बहुत पावरफुल हो गया हो, थोड़े पॉलिटिकली भी पावरफुल हो जाओ। उसके लिए आपको ना थोड़ा सा यूनाइट होना पड़ता है। वैसे तो ये यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ तो आप यूनाइट दिखते ही हैं और जिस तरह से आप लोगों में यहाँ एकता है, और यह एकता खाली एक दिन के लिए ही नहीं, हर दिन के लिए यह एकता की मिसाल यहाँ पर कायम रहे। और एफआईए ने सबको एक करने का बहुत बड़ा प्रयास किया, तो एफआईए के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय, थोड़ा जोर से बोला करो, भारत माता की। अब ऐसा लगा कि मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं हूं, हिंदुस्तान के अंदर समाया हुआ। आपको भी बहुत आगे बढ़ना है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप करीब करीब 50% टैक्स देते हो, 40-50 हो जाता है सब मिला के, हाँ तो आप जितना कमाते हो 40-50% तो इसको भी दे देते हो, देना भी चाहिए, इसी से पाया है, इसको देना चाहिए। 10% अपने इंडिया के लिए भी दे रहे वहां पर भी हेल्थ के, एजुकेशन के, सोशल अवेयरनेस के बहुत काम करने की जरूरत है। आज भी हिंदुस्तान यद्यपि बहुत आगे बढ़ रहा है और आने वाले 20-25 सालों में पूरे वर्ल्ड को लीड करने की ताकत हिंदुस्तान को मिलेगी, उसमें आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़े बड़े काम करने। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे अंदर बहुत कुछ करने का सामर्थ्य है, वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, पावर एंड विजडम। बट व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड पावर? आप में से बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं, कुछ स्पिरिचुअल पर्सन हैं। हम सबको अनलिमिटेड नॉलेज है हमारे भीतर, इसका आधार क्या है? कोई भी चीज़ बेसलेस नहीं होती है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ नॉलेज? व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज?
तो हम भगवान तक पहुंचते हैं। फिर यही योग और अध्यात्म है कि हम ये अनुभव करें, यद्यपि दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त रूप है। हमारे उपनिषदों में कहा परमात्मा के दो रूप हैं, द्वेह वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ गॉड, वन इज विजिबल एंड सेकेंड इज अनविजिबल। मूर्त अमूर्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, व्यक्त अव्यक्त, दृश्य अदृश्य, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। दृश्य तो हमको समझ में आ जाता है, दिखता है ना, जो भी मैटलिस्टिक वर्ल्ड है वो चीज़ों को कहता है हमें जो दिखेगा हम उसी को मानेंगे, ठीक है। लेकिन दिखने वाला सत्य है तो न दिखने वाला परम सत्य है। दिखने वाला सत्य है। कुछ लोग धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो कम जानते हैं, थोड़ा अभी प्राइमरी में प्रवेश लिया है, तो लोग बोलते हैं सारा दृश्य जगत झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। झूठा कुछ भी नहीं है, यहाँ वहाँ भी झूठा का अर्थ अनित्य किया है। वन इज विजिबल, वन इज अनविजिबल, बहुत हार्ड ट्रूथ। एक सामान्य सत्य है, एक परम सत्य है। तो जो मैटलिस्टिक वर्ल्ड है ये विजिबल चीज़ों को ही सब कुछ मान बैठा है, तो गड़बड़ी है। और ये जो आध्यात्मिक लोग हैं जो अनविजिबल है उसी की खोज में पड़े हुए, विजिबल भी छूट जाता है तो वो भी बेचारे दुख पा रहे हैं। तो रोज प्राणायाम करना, थोड़ा ध्यान करना, फिर थोड़ा आस्था टीवी देखते हो है? तो जो जवान जवान है ना वो ऐसे भी करना, जवान जवान करना, बूढ़े करोगे तो पूरा ही शीर्षासन हो जाएगा। जवान जवान आदमियों को थोड़ा योग में दूसरी भी चीजें करनी चाहिए, इससे फिर आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा ना, जिम जाने की क्या जरूरत है। योग जब तुम्हारे पास है, जल्दी सूर्य नमस्कार करो, पहले धीरे धीरे करो, फिर तेजी से करो, ऐसे धीरे धीरे तेजी से, फिर अभ्यास हो जाए तो फिर ऐसे भी कर लेना। करोगे है? ऐसे कर लेना। बोले बाबा जी ऐसे बैलेंस बनाने में तो बहुत समय लगेगा, थोड़ा तो कर लेना। देखो सुबह सुबह एक घंटा योग कर लेना, 6 घंटे नींद बहुत अच्छी आएगी, 16 से 18 घंटे काम पूरा कर पाओगे और शरीर बहुत अच्छा रहेगा, दिल बहुत अच्छा रहेगा,
दिमाग बहुत अच्छा रहेगा। आजकल ना शरीर अच्छा है, ना दिल अच्छा है, ना दिमाग अच्छा है, ऐसे पागलों की तरह घूमते रहते हैं। तो पूरा योग सीखना है ना, तो मुझे आस्था चैनल पर थोड़ा फॉलो कर लिया करो, नहीं तो यूट्यूब पर फॉलो कर लिया करो, नहीं तो आजकल फेसबुक और ट्विटर को तो बहुत फॉलो करते हैं। तो वैसे तो मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन फेसबुक पर और ट्विटर पर मेरा अकाउंट है, उस पर मुझे फॉलो करना ज़रूर है। और फिर कुछ बड़े बड़े काम करने हैं ना अपने को मिलके, बुरे लोग सब इकट्ठे रहते हैं, बड़ी यूनिटी होती है उनमें, अच्छे लोग एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, अच्छे लोग मिलके रहना। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानतान देवाभागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समान मंत्रम अभिमंत्र एव समान वो हविषा च होमी समानी व आकुति समान हृदयान एव समानमस्तु ओम न यथावस्तु सहसति। ये ऋग्वेद का अंतिम उपदेश स्वयं भगवान ने कहा, मिल करके रहो, संगठित होकर के रहो, यूनिटी यूनाइटेड होकर के रहो। जिस व्यक्ति को, जिस समाज राष्ट्र को अपने अतीत का गौरव, वर्तमान का सामर्थ्य का बोध होता है, वही एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। हम भारतीयों को अपने पूर्वजों का गौरव अपने हृदय में संजो करके, और जहां हम रहे उनका भी हित करना और सबका हित करना है, ये तो छोटी सोच हो चाहिए कि इसका ये देश, उसका वो देश, वसुधैव कुटुंबकम, सारा देश, सारा जहान हमारे भगवान का और हम सारे जहान के हैं, सारा ब्रह्मांड हमारा है। तो आप सब भी ऐसे ही अपने आप को योग से एक योद्धा की तरह मजबूत बनाना। और सब महापुरुषों को, आप सबको मेरा बहुत बहुत वंदन। ओम।